हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स मास्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 007 का सब्जेक्ट है और ये आप सभी के लिए जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स MGPE या फिर MPSE का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए जो जो इसमें डिस्कस होंगे, क्योंकि रिपीट होने की संभावना क्या क्या है और क्या क्या रिपीट होगा इस पेपर में से हम ये भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए आएगी, लेकिन इससे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में रिपीट होने की संभावना है। तो पेपर का समय 2 घंटे का है और आप सभी के लिए 50 मार्क्स का पेपर आएगा। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला, पेपर इजी रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है सिंपली आप सभी से पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन का क्या महत्व है? महत्व है, महत्व का मतलब है इंपॉर्टेंस है। किससे इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सामाजिक आंदोलन? तो भाई देखो क्या है कि हम एक कहाँ रहते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का सबसे सिंपल सा एक तरीका होता है कि जनता जो होती है ना, जनता अपनी सरकार को स्वयं चुनती है। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सत्ता में जो आसीन लोग होते हैं वो जनता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते और जब वो जनता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते तो जनता के पास में अपने शासक को बताने का या फिर अपने शासक को उसकी कमी गिनाने का एकमात्र ऐसा तरीका होता है जो कि सामाजिक आंदोलन का होता है। और लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि ऐसे देश जहाँ पर विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी हो तो वहाँ पर सामाजिक आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। लोकतांत्रिक देश में जब शासन जो है वो तानाशाह रवैया पे बदल जाए तो ऐसे समय में हमें सामाजिक आंदोलन इंपॉर्टेंट लगता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका क्या आंसर आप सभी के पेपर में बनने वाला है और आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे ये भी मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। सबसे पहली बात तो सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया होगा। सामाजिक आंदोलन हम उन आंदोलनों को कहते हैं जिसमें जब सरकार जनता की अवहेलना करती है या फिर सरकार जनता की तरफ ध्यान नहीं देती तो ऐसी स्थिति में जनता के पास में आंदोलन करने का एक जरिया होता है। अब यहाँ पर मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, मार्क्सवादी अवधारणा ध्यान रखना है ये हमेशा 2 क्लास को बांटती है, एक अमीर वर्ग को और एक बनाती है गरीब वर्ग को। तो जो अमीर जो वर्ग है इसे हम बुजुर्गवार वर्ग कहते हैं और गरीब जो वर्ग होता है सर्वहारा वर्ग। ये कहते हैं कि ज्यादातर आंदोलन जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि अमीर लोगों ने ऐसी नीतियां बना रखी होती है जिनका गरीबों का सिर्फ शोषण करती है वो, और सरकार कहने के लिए होती है इन सरकारी पदों पर केवल और केवल अमीरों का ही नियंत्रण होता है, अमीर ही उन सभी को नियंत्रित करते हैं, अमीर अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं क्योंकि सरकार बनाने में, सरकार को बिगाड़ने में और साथ ही साथ में कर वगैरह देने में इन अमीरों की खास भूमिका होती है, इसलिए सरकार हमेशा इनका समर्थन करती है। तो मार्क्सवादी अवधारणा कहीं ना कहीं देखते हैं हमेशा सामाजिक आंदोलन कौन से लोग करते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग जो कि गरीब है, ज्यादातर ऐसे लोग जो गरीब है या फिर जो दबे कुचले हैं वो लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नए सामाजिक आंदोलन के स्वरूप की वर्णन कीजिए, ये अन्य आंदोलनों से कैसे अलग है। जैसे हम बात करें नए आंदोलन कौन कौन से हैं तो यहाँ पर एक बन जाता है जैसे उपभोक्ता का, जैसे उपभोक्ता इसके आंदोलन, उपभोक्ता के आंदोलन। इससे अलावा हम देखें कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये ऐसे आंदोलन है जो कि सदियों से होते ही हुए आए हैं। लेकिन जैसे उपभोक्ताओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो ये भी पहले से ही आ रहा है, लेकिन महिलाओं को आज आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो उपभोक्ता आंदोलन हो गया, शिक्षा के लिए या फिर समानता लाने के लिए किए गए आंदोलन। तो ये आंदोलन पहले की प्रकृति से अलग है, पहले आंदोलन जो है बेसिकली इकोनॉमी को ध्यान में रख के किए जाते थे, क्लास को ध्यान में रख के किए जाते थे कि कृषक जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, मजदूर मिल मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो वो आंदोलन वो थे। लेकिन आज के समय में जो है कई आंदोलन ऐसे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ भी होते हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सूचना तकनीक ने किस प्रकार भारतीय समाज को प्रभावित किया है, इससे आसान और लल्लन टॉप क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो
वही भारतीय समाज को प्रभावित करने में सूचना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि सूचना के आने से लोगों के घर घर तक तकनीकें गई हैं, लोगों को घर घर तक शिक्षाएं पहुंच रही है, और लोगों को घर घर तक समाज में रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता के बारे में पता चल रहा है। तो जहां पर लोगों की जो मार्क्सवादी या फिर ऐसी अवधारणा जो रूढ़िवादी विचारधारा है उससे निकलने में कहीं ना कहीं भूमिका रही है, इन तकनीकों का यूज करके समाज हमारा लगातार परिवर्तन हो रहा है। कोई काम ऐसा था पहले हम उसे काफी देर तक करते थे, परंतु आज तकनीकों के आने से वो आसान बन चुका है। शिक्षा आने से लोगों की जो मेंटेलिटी है वो चेंज होती जा रही है। तो इसने हमारे समाज को कई तरीके से प्रभावित किया है, इसने हमारे समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का भी कार्य किया है, तथा हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सूचना के आने से हमारी जो संस्कृति है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव भी पड़ा है कि हमारे अपने समाज सोसाइटी में लिप्त होते जा रहे हैं, हमारी जो कल्चर था उसको हम बुलाते जा रहे हैं। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताओ। तो सेम बात है, वैश्वीकरण के कई सारे प्रभाव हैं, जैसे इंग्लिश का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, इंग्लिश का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का रिपीट होगा, आपसे पूछा जाएगा वैश्वीकरण के कारण सामाजिक प्रभाव बताओ या फिर आर्थिक प्रभाव बताओ या राजनीतिक प्रभाव बताओ। तो भाई इंग्लिश का चलन अत्यधिक हो गया है। दूसरी बात बात करें तो पश्चिम की संस्कृति का प्रचार ये ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे देश के परंपरागत कार्यों में परिवर्तन आने लगा है। इसके अलावा लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान, पहनावा, है ना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं क्या होने लगा है कि ये काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने लगा है। तो ये बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इसी तरीके से कि कई तरीके से वैश्वीकरण ने हमारी सोसाइटी को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि दलित और पिछड़े वर्ग के आंदोलन के रणनीतिक क्या लाभ हुए हैं। जैसे दलित हो SC को जिसे हम बोलते हैं या फिर ST की बात करते हैं, इसको अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा पिछड़े वर्ग के जो आंदोलन है इनके आंदोलन की राजनीति से क्या लाभ हुए हैं। तो पहली बात तो इनके लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था कर दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था करने से इनकी जो सहभागिता है सहभागिता में वृद्धि हुई है, सबसे पहला लाभ तो ये हुआ है। दूसरा, सहभागिता में वृद्धि होने के बाद में ये आत्मनिर्भर हो पाए। अभी केवल मैं इसके पेपर को क्या क्या क्वेश्चन आए और क्या क्या रिपीट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो सकता है। अगला और भी पॉइंट्स है, उसको हम आगे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे तो उसके अंदर जो हम इस क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आदिवासी के समक्ष गंभीर मुद्दे कौन कौन से हैं। तो आदिवासियों को अपना जो आवास को क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, एक ये पहला मुद्दा बन चुका है। दूसरा, आदिवासियों की जो संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तीसरी बात, इनका दायरा क्या होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, एक चीज हम ये भी देखते हैं, ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लोगों की जो आदिवासी थे इन्हें क्या कर दिया जा रहा है, इनके अपने ही जैसे पहले वनों में रहा करते थे, तो भाई वनों में ये पूरे जंगलों में कहीं पर भी घुमा करते थे, परंतु आज इनके लिए क्या है कि एक निश्चित एरिया रिजर्व हो गया है, या फिर जो गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनकी वजह से इनको आवासों में या जिस हिसाब से पहले घूम पाते थे रह पाते थे वो वैसा नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्षेत्रीय आंदोलन का उद्देश्य है यहाँ पर और इसकी प्रमुख जो है उपलब्धियाँ। तो क्षेत्रीय आंदोलन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो कई बार आंदोलन ये स्वायत्तता के लिए होते हैं, स्वायत्तता का मतलब होता है विशेष अधिकार, कई बार ये कोई विशेष अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं ना, विशेष अधिकार, एक सेकेंड, यहाँ पर स्वायत्तता की मांग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, विशेष अधिकार की मांग करते हैं, इसकी मांग करते हैं विशेष अधिकार की मांग करते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल प्यार से समझते हुए चलेंगे स्वायत्तता का मतलब विशेष क्षेत्रीय आंदोलन के लिए, जैसे हमने देखा है कहाँ पर हुआ था, मिजोरम में, जैसे हमने देखा है कि भाई स्वायत्तता की मांग असम के अंदर उठी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट है, मिजोरम को छोड़ दें तो नागालैंड को छोड़ दें, वहां पर भी स्वायत्तता की मांग उठी है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इस तरीके से देखते हैं कि भाई इनके उद्देश्य ये होते हैं, जैसे स्वायत्तता प्राप्त करना, दूसरा अपने संसाधनों का स्वयं उपयोग कर सके, एक ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो इनके उद्देश्य एक ये होते हैं कि इनका क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, क्योंकि जब कभी भारी लोग आते हैं
भारी लोग आता है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है, ठीक है। संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। जैसे भारी लोग आएंगे, इनके संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो भाई क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे आपने देखा था आसू, आसू के बारे में पढ़ा होगा आपने, AAASU, आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने आंदोलन किया था कि 1952 के बाद से जितने भी जो है गैर बांग्लादेशी लोग, गैर असमी लोग वहां पर आकर बसे, उन सबको निकाल दो, ऐसी मिजोरम की भी डिमांड्स थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इन डिमांड्स को देखते हैं। इनकी उपलब्धि क्या है कि ये काफी हद तक स्वायत्तता पाने में सफल रहे। दूसरी बात, इनका क्षेत्रीय संतुलन आज भी बना हुआ है और ये संसाधनों का खुद उपयोग कर पा रहे हैं। तो यही पॉइंट आप लोग इनकी उपलब्धियों में रख लेंगे, या फिर नौकरियों में और चीजों में इन लोगों ने अपने लिए आरक्षण की डिमांड करी थी, वो क्रमतर उसी तरीके से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आप सभी को बता दूं, इसके रिपीट होने की संभावना है। अगला है, भारत में कृषि आंदोलन का क्रमतर विकास कीजिए। कृषि आंदोलन के ऊपर मैंने एक बिल्कुल सेपरेटली वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के आंदोलनों का चर्चा किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आप सभी को तेलंगाना, तेलंगाना है ना, तेभागा, तेभागा है ना, बारदोली, बारदोली कृषक आंदोलन, अलग अलग तरह के आंदोलन हुए हैं हमारे भारत के पूरे इतिहास में। तो अलग अलग आंदोलनों के बारे में आप सभी को यहाँ पर व्याख्या, अभी आप फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंटली आपने देखा है 2018 के बाद से, 2018-19 के बाद से ही यहाँ पर आंदोलन दिल्ली में फिर से शुरू हो गए थे। तो उन आंदोलनों को भी आप लिखना चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे इसमें पूछा गया है सापेक्ष अभाव का सिद्धांत, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपेक्ष के सिद्धांत पर जीते हैं, यानी जो रहने वाली चीजें हैं उसको नहीं हो पाते, तो ये सापेक्ष अभाव का सिद्धांत, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुद्दे आधारित आंदोलन कौन कौन से होते हैं, ऐसे आंदोलन जिनका कोई निश्चित मुद्दा होता है। मुद्दे आधारित आंदोलन होते हैं, जैसे चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन था। ज्यादातर आंदोलन जो है वो क्या होते हैं भाई, मुद्दे आधारित ही होते हैं, बिना मुद्दे के कोई आंदोलन थोड़ी करता। चिपको आंदोलन रहा, विश्नोई आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन है, तो आप इन आंदोलनों को यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज पाने के लिए आप हमसे जुड़ेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते तो यू कैन ज्वाइन अस, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।